मोदी सरकार के खिलाफ नई मुंबई यूथ कांग्रेस का मोर्चा, नीतियों और निर्णयों के खिलाफ कोंकण भवन पर हल्ला बोल। सोनिया गांधींचा, राहुल गांधींचा, पीएम अब्दुल कलाम साहेबांचा, मोदी सरकार रोको दो, रोको दो, रोको दो, मोदी सरकार रोको दो, रोको दो, रोको दो, मोदी सरकार रोको दो, रोको दो, रोको दो, मोदी सरकार रोको दो। कांग्रेस ने आज बेलापुर के मिनी मंत्रालय कोंकण भवन पर मोर्चा निकाला और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक, छात्र और कार्यकर्ता मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस ने कोंकण आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों के कारण ही देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है और रोजगार खत्म हो रहे हैं। पीएम ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वह भी झूठा निकला। मोदी सरकार द्वारा लागू जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन को देश की जनता के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला करार देते हुए सुबिन थॉमस ने कहा कि हम युवाओं को न्याय दिलाने और मोदी सरकार को जगाने के लिए सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करेंगे। हमारे IYC के रोजगार दो अभियान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी और महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे जी के इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस से आज हमने कोंकण भवन में कोंकण आयुक्त को अनएम्प्लॉयमेंट के विषय पे एक लेटर सबमिट किया है, जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कंट्री की जो रोजगार लोगों युवाओं का 12 करोड़ लोगों के नौकरी अंदाजन चली गई है, उसके विषय पर हमने रोजगार दो करके ये लेटर कोंकण आयुक्त के पास सबमिट किया हुआ है। देखिए, जब सरकार आई थी तो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोल के आए थे सरकार में। अभी 12 करोड़ के आसपास लोगों के पास नौकरी नहीं है। इन सब के पीछे नोटबंदी से लेके फेल्ड GST इम्प्लीमेंटेशन से लेके सडन लॉकडाउन से लेके ड्रॉपिंग GST से लेके बहुत सारे रीजंस हैं, तो सरकार को इस बारे में बहुत इसे सोचना चाहिए और कुछ कठिन कदम, सिर्फ बोलना नहीं, कुछ करके दिखाना चाहिए। कोंकण आयुक्त जी ने ये कहा है कि वो हमारे लेटर को आगे प्रधानमंत्री ऑफिस में फॉरवर्ड करेंगे और उस पर ये करके हमें बताएंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद सिंह बंटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष वृज किशोर दत्त एवं नई मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए उनके पुराने वादों को याद दिलाया और कहा कि अब देश में जुमलेबाजी नहीं, काम करके दिखाना होगा। चुकीच्या लॉकडाऊनच्या धोरणामुळे 12 कोटी रोजगार या 5 महिन्यात गेलेत आणि गेल्या 6 वर्षात 30 कोटी रोजगार गेलेत। आम्ही मोदी सरकारला सांगतो, साहेब खूप झाला जुमला, आम्हाला आता जुमला नाही, आम्हाला रोजगार द्या, युवकांना रोजगार द्या। आज लोकांकडे काम नाही, धंदे नाही, तुमच्या चुकीच्या लॉकडाऊनमुळे लोक घरी बसून आज त्यांच्या 2 वेळचं जेवायला जेवण नाही। तर आमचे युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण महाराष्ट्रात आणि VV श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण देशात आम्ही एक बेरोजगारीचा मोहीम आणि कलेक्टर, जिल्हाधिकारी, कोंकण आयुक्त यांना एक पत्र देऊन आम्ही विनंती करतो आहे की आमच्या युवकांना तुम्ही रोजगार द्या, रोजगारची संधी उपलब्ध करा। आता मोदी सरकारने सरकारी भरती जी होती, सरकारी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भरती पण त्यांनी बंद केली असं त्यांनी डिक्लेअर केलं आहे। तर तुम्ही सगळीकडनं बेरोजगारी दर वाढतो आहे, नशा करायचं प्रमाण वाढतो आहे देशात, हे सगळं धोरणं बंद केलं, युवकांना रोजगार दिला की देश आणि आपलं राज्य सुचारूपणे चालू शकतो, हे आमची निवेदन आणि ते आम्ही कोकण आयुक्तांना ते पत्र दिलं आहे या संदर्भात। लोकतंत्रात पहिल्यांदा असं बघण्यात आलं आहे की भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार आहे, ज्याचे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हे म्हणतात वेगळं आणि करतात वेगळं। आणि भारतीय जुमला पार्टी यांना म्हणालं तरी काय चुकीचं ठरणार नाही। 2 कोटी रोजगाराचं त्यांनी आपल्याला युवकांना, तरुणांना, सर्वांना देखील त्यांनी आश्वासन दिले होते, परंतु ते जुमले ठरले। त्यानंतर फेल्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ देअर पॉलिसीज, जे GST होत्या, नोटबंदी होत्या आणि आता इल प्लॅन्ड लॉकडाऊन, हे सगळ्यांमुळे हे जे त्यांचे फेल्ड इम्प्लिमेंटेशन आहे त्याच्यामुळे हे
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना आज रोजगार उपलब्ध नाही आहे. जे हातातला रोजगार होता ते देखील आज युवकांच्या हाताला काम नाही आहे. म्हणून आणि केंद्र सरकारकडनं जी मदत राज्य सरकारला झाली पाहिजे होती ते देखील त्या प्रमाणावर आज आत्तापर्यंत त्यांनी केलेली नाही आहेत. पी एम केअर फंडचं त्यांचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं पाहिजे. हे सगळे एवढे मोठे देशात विषय असून ते एक गांभीर्याने त्यांनी घेतलं पाहिजे. म्हणून त्या जे सत्तेच्या नशेमध्ये जे झोपलेली सरकार आहे त्याला जागवण्याकरिता आज युवक काँग्रेस महाराष्ट्रभर सत्यजित तांबे आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासजी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही महाराष्ट्रभर आंदोलन करत आहोत आणि निवेदनाच्या मार्फत आम्ही सरकारला जगवण्याचे प्रयत्न आज करत आहोत. मन की बात बहुत हुई, अब हम चाहते हैं कि सरकार ने युवाओं की और जन की बात करनी चाहिए. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.